यह बात बहुत दिनों पहले की बात है। एक जमाने में हाथी उड़ा करते थे। उनके चार बड़े बड़े पंख थे और वे इतनी तेजी से फिरा करते थे कि और सब प्राणी अवाक हो जाते थे। पर ये बड़े जानवर थोड़े से बुद्धू भी थे, पर शुष्क अन्य जानवर इसके बारे में चुप रहा करते थे, किसी से बोलते नहीं, क्योंकि हाथियों में बहुत ताकत थी और वे बहुत तेजी से घूम सकते थे। भगवान ने सोचा कि वे हाथियों की मदद लेंगे। वे हाथियों पे सवार सारी दुनिया घूम सकते थे। एक क्षण में वे चीन पहुंच जा सकते थे और दूसरे पल में आइसलैंड। और ये हाथी इतने मजबूत थे कि वे पर्वतों को धक्का मार मार ठीक जगह पर पहुंचा देते, जैसे कि हिंदुस्तान में हिमालय और तंजानिया में किलिमंजारो। हाथी पर सवार होकर भगवान ने सारी दुनिया को ठीक कर दिया। दुनिया तो मतलब परफेक्ट हो गई। जब यह बड़ा काम खत्म हो गया, भगवान ने हाथियों को छुट्टी दे दी। अब हाथियों को कोई काम ही नहीं था। फिर क्या हुआ मालूम है? हाथी बेकार हो गए। पुराने दिनों को याद करते थे सब हाथी एक साथ बैठकर, एक दूसरे को उन दिनों की कहानियां सुनाते और हर समय यही सोचते थे कि भगवान ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। हाथी सोचने लगे कि वे और सब प्राणियों से ज्यादा अच्छे थे, सबसे इम्पोर्टेंट। एक हाथी ने दूसरे से कहा, आहा, उस मोर को देखो, कितना छोटा है और उसके पंख कितने बुरे हैं, देखने में बिल्कुल फालतू, हमारी तरह सुंदर और मजबूत तो नहीं। और हाथी यह बात जोर जोर से करते थे ताकि छोटा सा मोर भी सुन पाता था। मोर ने सोचा, हाथी ठीक ही कह रहे हैं, मैं छोटा हूं, मेरे पंख परियों की तरह सुंदर तो नहीं और मुझ में तो ताकत भी नहीं है। दिन ब दिन हाथी अपने आप को खूब समझने लगे। सारी दुनिया के केले निचोड़कर वे उड़ जाते थे और सब प्राणियों को एक भी केला नहीं मिलता। सब प्राणी बहुत दुखी थे। और यह केले लेकर हाथी क्या करते मालूम? वे गांव में जाते और अपने बड़े बड़े पांवों और बड़े बड़े पंखों को खोलकर सारे गांव को कुचल देते। वहां बैठकर केलों के साथ पिकनिक मनाते। पर गांव के लोग बहुत दुखी हो गए। उनके घरों को हाथियों ने कुचल दिया था। भगवान ने जब यह सब देखा, उन्होंने सोचा कि हाथियों को एक सबक सिखाना चाहिए। भगवान ने सारे हाथियों को बुलाया और हाथियों से कहा, ए हाथियों, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत मदद की है, इसलिए मैं एक बड़ी पार्टी मनाऊंगा आपके लिए, सिर्फ हाथियों के लिए। सारे हाथी बहुत खुश थे। एक हाथी ने दूसरे हाथी से कहा, देखो, भगवान भी जानते हैं कि हमने उनका कितना उपकार किया। यह बहुत अच्छा है कि भगवान हमको सम्मानित कर रहे हैं। और पार्टी के दिन सारे हाथी जमा हो गए। भगवान ने हाथियों के सामने तरह तरह का खाना रख दिया। पीले पीले केले, लाल लाल अनार, खचर पचार अमरुद, जुसिले आम, जो फल सोचो वह वहां था। और हाथी यह सब देखकर खूब खुश हो गए। हाथियों ने खाना शुरू किया। आह, क्या सुंदर था खाना। अब सब हाथियों को नींद आने लगी, उनके पेट भर गए और वही के वही सो गए। भगवान इसी समय का इंतजार कर रहे थे। चुपचाप से भगवान ने एक बड़ा सा चाकू लिया, सारे हाथियों के पंख काट दिए उन्होंने, और इन सुंदर पंखों को भगवान ने मोर को दे दिया। मोर खुश हो गए। वे जंगल में जाके नाचने लगे। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, किसने देखा रे, जंगल में मोर नाचा, मैंने देखा, मैंने देखा रे। और आप हाथियों के बारे में सोचिए, जब वे उठे और उन्होंने देखा कि उनके सुंदर सुंदर पंख भगवान ने मोर को दे दिए, वे बहुत नाराज थे। पर भगवान ने कहा कि अब मुझे समय नहीं,
अब तुम्हारा काम तुम्हारी तकाद से है। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे बन जाओ और गांव के लोगों की मदद करो। हाथी बहुत शर्मिंदा हो गए। चुपचाप उन्होंने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और आज तक हर एक गांव में एक न एक हाथी आता जाता है और लोगों की मदद करता है।